नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं टीडी न्यूज में बिहार नीति। अभी हम आप पहुंचे हैं जदयू के प्रदेश कार्यालय में, जहां जदयू की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। बैठक के बाद जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी बाहर आए, जिनसे हमारी कुछ मुद्दों पर बात हुई। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। कल कार्यकारिणी का प्रस्ताव है, उसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव और पार्टी का जो हमारा संगठन का काम था, उन तमाम चीज़ों की चर्चा हुई। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में लिए गए निर्णय, इन तमाम बिंदुओं की चर्चा हम लोगों ने किया। और पार्टी कल कार्यकारिणी की बैठक करेगी। कार्यकारिणी की बैठक में सारी बातें हम स्पष्ट कर करके उससे संपुष्ट करेंगे। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद है। सर, प्रधानमंत्री बनने की भी बात की, मुझे क्या नीतीश जी को प्रोजेक्ट करना है प्रधानमंत्री? हम लोग तो कभी नहीं बोले हैं, नहीं कर रहे, कभी नहीं, एकदम क्रिया खा के बोले। कभी गलती से हम लोग, हमारी पार्टी ने कभी नहीं बोला, न हमने ऑफिशियली ट्वीट किया, न राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, न प्रदेश अध्यक्ष ने, न माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कभी नहीं कहा हमने। अब कुछ लोग का समझते कि हमारा पेटेंट है देश, तो आपका पेटेंट नहीं है। ये देश में 12 राज्य में आप हैं, अजय दुर्ग आप नहीं हैं, 12 राज्य में ही है, मात्र 28 राज्य है देश के अंदर में। कह रहा है कि हम हैं तब ये धरती चल रहा है, तो पृथ्वी चलवे नहीं करेगा, वैसा नहीं है। और 303 सीट पर हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 40 सीट पर इनको निपटाए, इनका काम खत्म। 40 सीट पर निपटाने का काम कर, तब हम थोड़े ही कह रहे हैं भाई। जिसे उनको मान लीजिए 80 में अहंकार जो भाजपा का है, भाजपा अपना इतिहास भूल गई है कि भारतीय जनता पार्टी को वह दिन भी देखना चाहिए जब लोकसभा में मात्र 2 सांसद उनके थे 80 में, तो भूलना नहीं चाहिए आदमी को अपना। विजय कुमार सिन्हा अभी बोले हैं कि अपराध बढ़ गया है, ग्राफ बढ़ गया है। कहाँ, 2 सितंबर 2022 आज है, भादो महीना है, अंग्रेजी में सितंबर महीना है, तो पिछला साल का हिंदी महीना जब सत्ता में थे, अंग्रेजी महीना, उस महीने का आंकड़ा या उसी दिन का आंकड़ा, 2 सितंबर 2021, 2 सितंबर 2022, ये दोनों में से तुलना कर लीजिए, पता चल जाएगा कि अपराध है। आप उनको डर लग रहा है क्या? डर उड़ लग रहा है? डरना नहीं चाहिए राजनीति में, हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। सत्ता है, जहाँ गए हैं वो छोटे भाई जाएंगे, कौन रोक रहा है उनको? है कलेजा में दम अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का? है कलेजा में दम कि नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगा देगा? अगर है हिम्मत कलेजा में दम, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके जितने अनुवांशिक संगठन हैं, अगर कोई साक्ष्य है तो हिम्मत है, उपस्थित करो, और नहीं तो जनता जानती है आपका राजनीतिक इलाज, जैसे 15 में किए थे वैसा ही इलाज कर देंगे। सुशील कुमार मोदी का कहना है जो कार्तिकेय सिंह पे की अगर इन पे बेल इनको रिजेक्ट हुई है, इनकी जो गिरफ्तारी है अविलंब होनी चाहिए, क्या यदि? अरे भाई, तो पुलिस का काम है ना, राकेश सचान पर नहीं बोलेंगे कभी, बोलना चाहिए उनको। अरे भाई, अब राज्यसभा में है, बिहार में उनकी भूमिका खत्म कर दी गई है, तो यहाँ तो इस्तीफा हो गया। वहाँ अवैध हथियार में सजा याफ्ता राकेश सचान खादी गुलाम उद्योग मंत्री बन करके जोगी जी के साथ जय श्री राम कर रहे हैं, वहाँ जाके मोदी बताएं, सुशील मोदी। एक और बात बोले सर, वो बोले कि गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं नीतीश कुमार। अब ये सब भाषा तो उन्हीं का भाषा हो सकता है, क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़े नहीं, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ा नहीं, राजनीति का पर्यावरण प्रभावित है, और हम लोग तो नीतीश कुमार जी के साथ है जिनको क्लाइमेट लीडर कहा गया है, हमारी भाषा ब्रंश नहीं। एक लास्ट सवाल, तो क्या प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो है वो आ रही हैं अब आप लोग के पास? अरे हम यूनाइटेड कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, तो यूनाइट के लीडर आप ही होंगे? हमको तय करना है, ये सारी पार्टी मिलकर करके ही सवाल पर अभी प्राथमिक लगता है। कह रहे थे बदलाव और प्रदेश से अब देश में जाएगा, कहाँ है? तो हमने लिखे है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, कहीं नहीं लिखा हुआ है, बदलाव लिखे थे प्रदेश से अब देश में बदलाव। अरे भाई, बताएंगे ना भाई, जुमलेबाज हम नहीं है। प्रदेश में दिखा तो हमने प्रदेश में दिखाया कि हम बेटी को नौकरी में आरक्षण देंगे, घर घर बिजली पहुंचाएंगे, निर्भीक रहेंगे, कानून का राज रहेगा। आपने कहा था, ये हम जाके बताएंगे देश के दूसरे राज्यों में, आपने कहा था कि 15 लाख रुपया खाता में डाल देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। हमारे कार्यकर्ता पूछिए, लोग बहुत परेशान रहते थे गांव में जाते थे, तब इतना परेशान हो गए थे हम लोग, गांव में जाए तो लोग कहता था कि वे 15 लाख दिए नहीं, अभी तक खाता में आया नहीं। हमारा बहुत सारा कार्यकर्ता बीमार पड़ गया, शुगर हो गया उसको।
जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि हम लोग ने कभी भी आधिकारिक रूप से या कोई भी ट्विटर पर हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाला है, नहीं कभी आधिकारिक ऐलान हुआ है। आगे जो होगी, सारे दल मिलके जो निर्णय लेंगे वो होगा। अभी तो सिर्फ हमने बदलाव का चर्चा किया है, बदलाव में कुछ भी बदलाव हो सकता है। धन्यवाद।